31 के मौके पर होटल और रिजॉर्ट्स में पार्टी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नैनीताल पुलिस बिना परमिशन के होटल और रिजॉर्ट में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी ऐसे स्थानों पर जहां 31 का आयोजन किया जाता है उन्हें पहले ही सूचना दे दी गई है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए 31 की पार्टी या गैदरिंग का आयोजन न किया जाए। अगर उसके बावजूद भी होटल रिजॉर्ट में इस तरह के आयोजन की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा 31 पर रेव पार्टी और नशे को लेकर भी विशेष चेकिंग का अभियान चलाया गया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे आयोजनों में नशे का इस्तेमाल भी जमकर होता है, लिहाजा अब पुलिस सभी पर निगरानी रखेगी। बावजूद उसके किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस बार जो है जो खास तौर से जो दूर के रिसॉर्ट्स वगैरह हैं हमारे बड़े, वहाँ पर नॉर्मली लोग जो है पार्टीज़ करते हैं न्यू ईयर्स के पर्पज़ से। हमने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी प्रकार की ऐसी पार्टीज़ जिसमें भीड़ भाड़ हो और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो, इनका कोई हमारी तरफ से अनुमति नहीं है पहले से। और हालांकि अभी तक किसी ने इससे अप्लाई भी नहीं किया है, फिर भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने एक बार मैसेज उनको करवा रखा है और अगर उस रात में इस तरह की कोई भीड़ या अनावश्यक गैदरिंग होती है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उनके विरुद्ध हम इसमें कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, हल्द्वानी।